वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट. वेल फ्रेंड्स, सलमान, जी हाँ, सलमान खान ने कहा है कि सिडनाज को कर लेनी चाहिए शादी. जी हाँ, साथ ही ये भी कहा है कि सिद्धार्थ जब सुनेंगे तो हो सकता है वो थोड़े से गर्म भी हो जाएं, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान यूसुफ खान की, जो कि कोरियोग्राफर हैं और बहुत ही बेहतरीन कोरियोग्राफी के लिए बॉलीवुड में जाने जाते हैं. इनफैक्ट बिग बॉस 13 के सभी डांस की कोरियोग्राफी सलमान ने ही की थी. इनफैक्ट शहनाज और सिद्धार्थ का जो डांस था उसकी कोरियोग्राफी भी सलमान यूसुफ खान ने की थी. और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि इसके अलावा भी कई बार सिद्धार्थ से मेरी बात हुई है और उन्होंने अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं एक्चुअली दोनों. और उन्होंने मुझे कई बार कहा है कि मेरे और शहनाज के लिए गाना कोरियोग्राफ करें, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ या ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में बिजी होता हूँ तो ये बातें हो जाती हैं. अदरवाइज सिद्धार्थ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है और भाई दोनों की जोड़ी बेहद ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छी है. और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पर्सनली जानते हैं सिद्धार्थ को सलमान और हम सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला का जो टेम्परमेंट है वो थोड़ा सा हाई तो है ही, तो भाई सिद्धार्थ को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन शहनाज को पता है कि उसे कैसे कंट्रोल करना है. तो भाई शहनाज गिल उनके लिए अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होंगी और इसी के चलते उन दोनों को शादी कर लेना चाहिए. दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन. ये सब बातें जो है सलमान यूसुफ खान ने कही हैं और फिर इसमें गलती क्या है? आपको और हमें भी तो ऐसा ही लगता है. सच में सिडनाज को एक बंधन में बनना ही चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ के लिए शहनाज से ज़्यादा और शहनाज के लिए सिद्धार्थ से ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं हो सकता. खैर, अभी तो जो है हम रियल लाइफ केमिस्ट्री या रियल लाइफ में उन्हें साथ में देख रहे हैं, यानी शोना शोना सॉन्ग आ चुका है और उसमें और बेहद बेहद ज़्यादा खूबसूरत उनकी केमिस्ट्री है. बहुत ही प्यारा ये गाना है और बहुत ही खूबसूरत उनके लुक्स हैं. भाई बहुत ही ज़्यादा धूम मचा रहा है. आपको कैसा लगा ये सुनकर, या फिर आपको क्या लगता है इस बारे में जो सलमान ने कहा उससे आप कितना एग्री करते हैं, कमेंट में बताइए. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए आगे भी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए.